हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे फ्रेंड्स, और इस लॉकडाउन पीरियड में सेफ होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। कुछ अलग से एक टॉपिक लेके आया हुआ मैं आपके लिए फ्रेंड्स, वो है हैमस्टर्स, अमेरिकन हैमस्टर्स, जो साइरेन हैमस्टर्स होते हैं फ्रेंड्स। आज का इस वीडियो हैमस्टर्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, इनकी सारी जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप एक छोटा सा सब्सक्राइब कीजिए। मैंने चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में रहे, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं स्लोली स्लोली सारी चीज़ें मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, सो आप हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। सो अभी हैमस्टर है मेरे पास, अभी हैमस्टर मेरे अभी सोया हुआ है, स्लीपिंग पोजिशन में है। तो हम उसे पहले जगाएंगे फ्रेंड्स, तो उसे कैसा जगाना है मैं आपको बताऊंगा, और उसको कैसा हैंड टैप करना है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बने रहिए फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, ये अभी हैमस्टर है मेरे पास, ये एक साइरेन हैमस्टर है, ओके। और इसे गोल्डन हैमस्टर भी बोलते हैं अपने इंडिया में, गोल्डन हैमस्टर इजी लैंग्वेज में, और साइरेन हैमस्टर ये बुकिश लैंग्वेज है, ओके। सो इसका देखिए, मैंने इसका कैसा फॉर्मेट किया है, देखिए सेटअप बनाया है। यहाँ पे पानी रखा मैंने उसका, ठीक है। और वो पेपर बहुत पसंद है उसको, पेपर के इसमें जाता है तो वो पूरा वो ये हो जाता है, ठीक है। इसे मैं कुछ भी खाने के लिए डालता हूँ ना फ्रेंड्स, ये क्या करता है, यहाँ पे अगर मैंने खाने के लिए डाला तो इधर क्या करेगा, ये लेके जाएगा, ओके, वहाँ पे जमा करेगा। मतलब कौन सा भी फूड मैं डालता हूँ तो ये हैमस्टर क्या करेगा, वहाँ पे कॉर्नर में फूड जमा कर देगा। ये हर एक हैमस्टर का आपको हैबिट देखने को मिलेगा। और ये जो हैमस्टर है फुली हैंड टेम हैमस्टर है, मैंने इसको पूरा हैंड टेम किया है, हाथ के ऊपर खेलता है। मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। और साथ ही साथ मैं इसको रैबिट पैलेट्स भी देता हूँ, रैबिट्स पैलेट भी खा लेता है, ये नट्स भी खा लेता है, कैश नट्स भी खाता है। फिर बाद में कुकुम्बर भी डाला था, काकड़ी डाला था, वो भी खाया था उसने, ओके। तो टोमेटो, ये सारी चीज़ें खाता है। जो रैबिट्स खाते हैं वही ये खाते हैं, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं इनका। और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ये जो हैमस्टर है तो सोते रहते हैं, दिन भर सोते रहेंगे हैमस्टर, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग फाइव तक पूरा सो जाते हैं हैमस्टर। 5 बजे के बाद ये पूरा एक्टिव हो जाते हैं फ्रेंड्स। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, इसका जो भी खाना यहाँ पे मैंने हाथ लगाया था ना, तो ये क्या करेगा, जो भी आप खाना खाने को डालेंगे इसको, ठीक है, तो ये सारा खाना यहाँ से उठाएगा, कॉर्नर में डालेगा। कॉर्नर में डालने के बाद ये जब कंफर्टेबल जोन में आएगा, जब भी उसको भूख लगेगी फ्रेंड्स, तो वो इसके हिसाब से खा लेगा खाना। ये देखिए कैसा खाना खा रहा है अभी हैमस्टर, ओके। मैं आपको उसको बाहर निकाल के भी बताऊंगा। और जब ये सोता है फ्रेंड्स, तो सोने के बाद क्या होता है, अभी हम डे शिफ्ट में काम करते हैं, इंडिया में हम डे शिफ्ट में काम करते हैं, लेकिन हैमस्टर्स की ऐसी आदत होती है फ्रेंड्स, ये रात में जगते हैं फ्रेंड्स, रात में बहुत एक्टिव हो जाते हैं और दिन में सोते हैं, तो उनका और हमारा टाइमिंग मैच नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इसे हैबिचुअल बना सकते हो। अभी देखो, मैंने मेरे हैमस्टर को थोड़ा हैबिचुअल बना दिया है, थोड़ा अभी खेल रहा है वो, थोड़ा डे में, रात में थोड़ा सो रहा है, तो अभी देखिए खा रहा है वो खाना। और बताना चाहूँगा, पेपर वगैरह डालना है आपको, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं डालना है उसके हैमस्टर के केज के अंदर या तो फिर टैंक के अंदर। कोई कोई लोग हैमस्टर को एक्वेरियम भी बनाते हैं, 2 फीट का एक्वेरियम इज बेस्ट फॉर हैमस्टर, 24x12x12 इज द बेस्ट एक्वेरियम डायमेंशन फॉर हैमस्टर, ओके। यू कैन कीप हैमस्टर इन केजेस ऑल्सो, द केज डायमेंशन शुड बी एटलीस्ट 15 इंच बाय 12 बाय 12, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ओके। एंड बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि बहुत ये एक छोटी ब्रीड है और पेट बहुत ही आसान है पालने के लिए, ओके। कोई आप बिल्डिंग में रहते हैं, इसका कोई ज़्यादा जगह नहीं लगती है इसको, कम जगह में आप आपका जो हॉबी है आप फुलफिल कर सकते हैं। मेरे टिफिन में रोटी आती है तो रोटी डाला मैंने उसको थोड़ा, ये फ्रूट्स भी खा लेता है, ओके। और देखिए अभी थोड़ा मॉर्निंग का टाइम है, 10 बज गए, तो ये बहुत नींद में है अभी, इसको भूख लग गई है, इसके आइज देखिए आप कितने स्लीपी हो गए, बहुत नींद आती है उसको। अब ये खाना खाएगा और सो जाएगा, दिन भर सो जाएगा, तो डायरेक्टली शाम में 5-6 बजे उठ जाएगा। और इसी के दौरान, इस ड्यूरेशन के बीच में अगर मैं उसको डिस्टर्ब करूँगा तो उसको पसंद नहीं है फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगा, नींद में उठ के वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और फिर वो गुस्सा आ जाता है उसको, तो अपने को अगर आप हाथ लगाएंगे उसको तो फिर वो अपने हाथ को स्क्रैच करेगा, तो इतना ही इसका डिसएडवांटेज है। और बताना चाहूँगा, हैमस्टर को फेस रीडिंग नहीं आता, उसको जो ऑनर है उसका फेस रीडिंग नहीं आता, किसका भी फेस रीडिंग नहीं आता, सिर्फ वो साउंड के ऊपर एक्टिव करता है, अगर मैं ऐसा करता है तो वो समझ लेता है कि मैं आ गया हूँ। और इसको कैसा सिखाना है आपको, वो आपके ऊपर है। और इसके अलावा कोई डिसएडवांटेज नहीं है इसकी, इसमें ठीक है, रोटी वगैरह सब खा लेगा, इसको पानी वगैरह डालना है, रूटीन सेट करना है इसका, और ये हेल्दी रहेगा। ये हैमस्टर का अभी सेटअप बनाया था मैंने, पेपर वगैरह ऐसा एक नेचुरल सेटअप बनाना है आपको। और एक्वेरियम में रखेंगे आप तो कैसा, ये बाहर नहीं आएगा और इसमें रहेगा,
और एडिशनली आप क्या कर सकते हैं डे में, आप इसको इसमें रख सकते हैं। देखो इसमें मैंने रोटी वगैरह डाला है और यहाँ पे उसका पानी वगैरह है, और इसका एक बहुत इजी वे है सेटअप क्लीन करने के लिए। ये देखो ट्रे है, ये मैं निकालूंगा, वॉश करूंगा, वापस से लगा दूंगा, बस 2 मिनट का काम है, इजी टू मेंटेन। और लॉकडाउन पीरियड में ऐसे पेट्स पालना अच्छा है फ्रेंड्स, बिकॉज लॉकडाउन में सब डरे हुए हैं और घर का जो ये जो एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव रखने के लिए, ठीक है, ऐसे पेट्स पालना ज़रूरी है, एक्वेरियम फिशेस वगैरह पालना ज़रूरी है। कैसे आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस निकल जाएगा आपका, आपका टाइम पास हो जाएगा।